नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर कोई क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो बिल्कुल स्ट्रेट आपने प्रोजेक्ट किया था, मतलब प्रोजेक्ट सीधा फेंका था ऐसे मान लो, या प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो उसको देखो स्ट्रेट ही जाना था। हुआ क्या, वो स्ट्रेट जा भी रहा था, रास्ते में परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एंटर कर गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही एंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर थी, ऊपर की तरफ, तो फोर्स एक्सपीरियंस कहाँ करेगा अब ये, ऊपर की तरफ, कितनी, एफ इजिकल टू क्यू ई, तो एफ इजिकल टू क्यू ई फोर्स ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि वो ऊपर आए, हमारी प्रोजेक्शन चाहती है कि वो सीधा जाए। अब वो सीधा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर भी जाएगा और पाथ फॉलो क्या करेगा, पैराबोला। आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी इसमें जैसे मैं ना आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाने वाला हूँ। टॉप ऑफ द टावर हम लेते हैं, जैसे हम किया भी करते थे कि आपके पास एक मान लो एक टावर है और आपने एक बॉल को सीधा प्रोजेक्ट किया ऐसे, कितने वेलोसिटी के साथ, यू के साथ, तो वो ग्रेविटी का असर है और वो नीचे गिर जाता है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी याद करो क्या होती थी, जीरो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, टी टाइम में प्रोजेक्टाइल गिरा। तो वाई एक्सिस के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगती थी वो लगती थी वाई जीरो हाफ जी टी स्क्वायर, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो इक्वेशन लगती थी वो एस इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि एक्स में एक्सलेशन थी नहीं, एक्स में कोई फोर्स तो थी नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी ऐसे लगता था। सेम प्रॉब्लम इसमें है, तो जैसे ही एंटर करता है, इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी है, टी टाइम में पार्टिकल यहाँ जाता है, साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट्स कवर करता है, एक एक्स और एक वाई, तो प्रोजेक्टाइल की तरह फोर्स अपवर्ड लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी लगती है, क्यू ई, क्यू ई एम में एक्सलेशन की वैल्यू आ गई। तो वाई एक्सिस में क्योंकि एक्सलेशन है तो इक्वेशन अप्लाई करेंगे जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सलेशन ऊपर से नीचे पुट कर देंगे, और ऐसी एक्स एक्सिस में कोई फोर्स तो है नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू वी टी, टाइम की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी, तो वाई प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो पैराबोलिक ग्राफ है। प्रूव करने को एनसीईआरटी में मैंने देखा नहीं, ऑब्जेक्टिव आएंगे एनसीईआरटी में, कहीं भी आ सकते हैं, जिसमें मेंशन्ड होगा कि एक चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटर्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसका पाथ फॉलोड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी होगा, आपने क्या मार्क करना है, पैराबोला, ऑब्जेक्टिव आएगा तो भी नीचे पैराबोला होगा, पैराबोला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रास्ते में टक्कर गया और परपेंडिकुलर तो पैराबोला ही होगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है।